खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ सरायमीर थाना क्षेत्र के ग्राम चित्तेपुर के मूल निवासी जमीरुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन दूसरे समुदाय के होने के नाते अपना धर्म परिवर्तित करते हुए हिंदू समुदाय को अपना तहसील फूलपुरार समाज मंदिर में वैदिक मंत्रों से शुद्धिकरण करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त भी किया। उनके बताए हुए कथनानुसार उन्होंने कार्य सन 1991 किया था और वहीं से उनका नाम भी बदलकर जमीरुद्दीन से नाम बदलकर सत्यप्रकाश आर्य पुत्र निजामुद्दीन रखा गया। उसके बाद से परिवर्तन नाम सत्यप्रकाश दर-दर की ठोकर खाने लगे। गांव के ही दबंग कई वर्षों से उन्हें गांव में ठहरने नहीं दिया। लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। अपने हक के लिए यहां तक कि परिवार से भी दूर कर दिया गया है। मौखिक रूप से बताया गया है कि पत्नी का देहांत हो गया है, पुत्र कहीं दूसरी जगह रहता है, लेकिन पिता पुत्र से भेंट नहीं हो पाई है। उन्होंने जिले से लेकर तहसील स्तर तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र 65 वर्ष की भी हो चुकी है। उनके दिलाने के लिए उनके ही गांव के रहने वाले अतीक अहमद, जो कि भाजपा अल्पसंख्यक समाज मंत्री रूप से कार्यकर्ता बता रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि मैं इनकी लड़ाई अंतिम पायदान तक लड़ता रहूंगा, इनका हक मिलना चाहिए। आप इनके अधिवक्ता हैं और इनका सीधे सीधे आरोप है कि मेरे जमीन पे ही मुझे ही नहीं रहने दिया जा रहा है और परिवार रजिस्टर में पहले था, इस समय उनसे से नकल भी गायब कर दी गई है। तो कितनी जगह ये एप्लीकेशन दिए, किस कितने दरबार पे, किन अधिकारियों के यहाँ गया, क्या समस्या है आप तो जानते हैं। यहाँ से दरख्वास्त देते देते ये जब हार गए तो इन्होंने दरख्वास्त दिया है DM के यहाँ, SP के यहाँ, मंडल आयुक्त के यहाँ, प्रमुख गृह के, और उन दरख्वास्तों को यथा पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। इनका नाम दर्ज था पहले, बाद में जब हिंदू हो गए तो इनका अलग हो गया नाम, और आज इनका नाम जो है कुटुंब रजिस्टर में नहीं दर्ज हुआ। खतौनी में है, खतौनी में नाम तो इनका है ही है हर जगह, लेकिन लोग जोत लिए हैं जबरदस्ती, ये कब्जा नहीं दे रहे। आपका कहना कि सीधे सीधे दबंग गई है लोग, इसको सता। ठीक, धन्यवाद। रहने वाले हैं आप, अपना नाम बताइए, क्या इनके साथ घटना घटित हुई है या किस तरह से दबाया जा रहा है, उसको बताने की कृपा करें। हमारा नाम रूप नारायण यादव है, बिलारी मामली के रहने वाले हैं और चित्तपुर हमारा पड़ोस गाँव, और ये सच्चाई है खतौनी में वाकई इनको सताया जा रहा है। खतौनी में इनका नाम है, इसके चूँकि अब इनकी भूमधरी है और इसके बावजूद कब्जा नहीं, न्याय नहीं मिल रहा है। तो गांव के ही दबंग हैं कि और बाहरी हैं? बाहरी तो कोई नहीं हमारे देखने में, जैसे बखरा है कोई गांव के है। तो आप बगल के हैं, वो सारी सच्चाई को जान रहे हैं? हाँ, वो तो सभी लोग जान रहे हैं, ये स्वहरत ये तो स्वहरत है, कौन नहीं जानता है, सभी लोग जान रहे हैं, अधिकारी लोग जान रहे हैं। अब उस पर एक्शन लें या न लें तो उनके मन की बात, उनके अधिकार की बात। इनका नाम पहले क्या था? इनका नाम था जमीरुद्दीन, बाद में कौन सा नाम पड़ा? सत्य प्रकाश। ठीक, धन्यवाद। जब हिंदू धर्म इन्होंने अपनाया तो करीब हुआ होगा 30-32 साल, लमसम तब से ये लापता रहते थे, पता नहीं कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते, लापता थे तब से। तब से लापता थे, अब कहाँ थे साहब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और न तो कभी मुझसे भेंट हुई मुलाकात। दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, और क्या, जो आदमी का कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं घर द्वार नहीं। भाजपा में कार्यकर्ता हूँ अल्पसमाज के, तो ये कहाँ रहे, क्या किए, कैसे खाए, कैसे पिए रहे, थोड़ा सा इनका बारे में हल्का सा बताने के। ये आदमी जब कोई ठिकाना नहीं है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई छत नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं, तो दर-दर ठोकरें खाते रहे होंगे। ये मूल निवासी चित्तेपुर के, मेरे गांव के, खतौनी में इनका नाम है, इनका मकान भी मैं देख रहा हूँ। हाँ, यह अलग बात है कि 30 वर्ष पहले जो हुआ था उस समय मैं इसी योग्य नहीं था, लेकिन जब हमने देखा आज कि इनके पास खतौनी में नाम है, इनका मकान है जिसमें लाकर गांव के कसाई को रखा गया, और कसूर इनका ये था कि इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, बस इतनी ही गलती थी, इनको गाँव में आने नहीं दिया जाता, घुसने नहीं दिया जाता। मैं इनको कहा और कहा नहीं करके बताऊंगा कि अगर गोली भी लगी तो पहले मुझको लगी उसके बाद है आचार्य की, ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है जो इतनी बड़ी सजा दी गई। पूरी संपूर्ण आराजी पे कब्जा कर लिया गया, अल्पसंख्यक के लोग हैं जो गोलबंद किस्म के हैं, और सारी संपत्ति पे कब्जा करके इनको ये हुआ कि गांव में आए तो मार दिया जाए, बेचारे डर से जब भाग गए। अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया कि नहीं? नहीं, अधिकारियों के संज्ञान में है,
अधिकारियों के संज्ञान में, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। आपके जो नेता हैं भाजपा वो उनके संज्ञान में है? आपने किसी से केवल अधिकारी के? केवल केवल अधिकारी। ठीक, धन्यवाद। क्या समस्या है और दर दर भटक रहे हैं, किस कारण? आपका नाम बताइए। पूर्व नाम जमीरुद्दीन, वर्तमान चंद्र प्रकाश। बताएं क्या समस्या? हिंदू बनने के नाते जो है गांव से हमेशा मारकर गए। अधीर न होइए, बताइए अपनी पूरी बात। हमारी प्रॉपर्टी सब उन लोगों ने कब्जा कर दिया, कोई जो है वहाँ रहने नहीं देता, घर में भी दूसरों को ला करके बसा दिया हमारे मकान में। बढ़िया, इधर उधर सब गुहार लगाया हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, दबंग है और पैसे से दबा दे रहे हैं। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।